नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए कनाडा की LEA एसोसिएट्स को कंसल्टेंसी एजेंसी बनाया गया है। ये कंपनी अयोध्या का पूर्ण विकास, नगर नियोजन, पर्यटन, सिटी एरिया प्लानिंग बनाएगी। इसमें CP कुकरेजा और LNT पार्टनर होंगे। कंसल्टेंसी कंपनी बनने के लिए 7 कंपनियों ने बिड डाली थी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। राम मंदिर की भव्यता के लिए 3 कंपनियों से करार हुआ। अयोध्या की स्मार्ट सिटी एरिया प्लानिंग, रिवर एरिया डेवलपमेंट, हेरिटेज टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नियोजन के लिए ये करार हुआ। कनाडा की कंपनी LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड का चयन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया। देश विदेश की 2 अन्य कंपनियों को क्वालिटी एवं लागत आधारित चयन में मात देकर LEA को चुना गया है। जानकारी के मुताबिक 26 दिसंबर को अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रकाशित किया गया था। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के तहत कई कंपनियों ने आवेदन किया था। कुल 7 प्रस्तावों में से 6 निविदाकर्ता को प्रतिस्पर्धा हेतु अयोध्या विकास प्राधिकरण ने चुना था। मिली जानकारी के मुताबिक निविदा मूल्यांकन समिति ने 70 से ज्यादा अंक पाने वाले आखिरी 3 कंपनियों को अयोध्या का भव्य विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के प्रतिस्पर्धा के लिए चुना। इन 3 कंपनियों में मैसर्स LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स IPE और देश की नामी गिरामी मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को अंतिम प्रतिस्पर्धा के लिए चुना गया। लखनऊ स्थित आवास विकास परिषद में खोली गई इन 3 कंपनियों की वित्तीय और तकनीकी निविदा के आधार पर LEA को भव्य अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट बनाने का जिम्मा दिया गया। LEA के पार्टनर के तौर पर मैसर्स लार्सन एंड ट्रूबो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैसर्स CP कुकरेजा एसोसिएट्स कंसोर्टियम सहयोगी कंपनी होगी। चयनित कंपनी अयोध्या शहर का सर्वे के माध्यम से विस्तृत अध्ययन पर कार्य करेगी। अयोध्या की धार्मिक पर्यटन क्षमता और राम मंदिर की महत्ता को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय विकास पर काम की जिम्मा लेगी। ये कंपनी इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान और नीति निर्माण के कार्य को भी देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।